कब तक के लिए खत्म की गई है। अब बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की ओर, जहां श्रीनगर जम्मू हाईवे पर फिर पुलवामा जैसी घटना को अंजाम देने की साजिश हुई है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट कर दी गई हैं। जी, यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में जैसे देखा जा रहा है कि कई दिनों जब से ही आर्टिकल 370 हटा है वहाँ से, उसके बाद से ही जो पाकिस्तान है और जितने भी आतंकी संगठन हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू में किस तरीके से शांति भंग की जाए, और लगातार वहाँ पर आतंकी घटनाएं हो रही हैं। कुछ दिन पहले ही अनंतनाग में यहाँ पर ग्रेनेड हमला हुआ, दो दिन पहले की बात है, उसके बाद भी हुआ। पुंछ में लगातार जो है सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक की अगर बात की जाए 70 दिनों की, अगर मैं बात करूँ तो 70 दिनों के अंदर ही 70 से ज़्यादा यहां पर भारतीय जो हैं उनकी मौत हो चुकी है और कई यहां पर घायल भी हुए हैं सिर्फ इन आतंकी हमलों की वजह से। तो उसको देखते हुए और साथ ही इनपुट्स लगातार ये मिल रहे हैं जो खुफिया एजेंसीज हैं उनके इनपुट्स ऐसे मिले हैं कि पुलवामा जैसी एक बड़ी घटना को यहां पर अंजाम देने की साजिश की जा रही है। आईएसआई की बात करें, लश्कर की बात करें, तालिबान की बात करें, तो ये सभी जो हैं ये सब मिलकर एक ऐसी साजिश को यहां पर अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार जो भी सीमाएं हैं वहां से आतंकियों की घुसपैठ के लिए लगातार कोशिशें की जा रही, क्योंकि सर्दियों में जिस तरीके से बात की जाए तो जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से सर्दियों के वक्त बर्फबारी जब होती है जम्मू में और सारे जो रास्ते हैं बाहर से बॉर्डर्स के वो बंद हो जाते हैं, तो उससे पहले ही घुसपैठ जितने ज्यादा आतंकी जो हैं वो घुसपैठ कर लें तो वो उसकी यहां पर लगातार कोशिश की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी जो हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने भी इस बात की जो है घोषणा करी थी, इस बात के बारे में उन्होंने चर्चा करी थी कि 500 से ज्यादा आतंकी जो हैं वो घुसपैठ की फिराक में हैं और जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां पर आतंकी जो है वो कैंप कर बैठे हुए हैं। लगातार आए दिन यहां पर मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे यहां पर जो है शांति भंग की जाए, और इस तरीके से लगातार आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के साथ ये इनपुट्स हमें लगातार ये इनपुट जो है वो सेना को मिले हुए हैं कि पुलवामा जैसी ही एक किसी घटना को अंजाम देने की यहां पर फिराक की जा रही है, तो उसके लिए फिलहाल भारी संख्या यहां पर जो है पुलिस बल की वो तैनात की गई है। पूरे जम्मू में बॉर्डर्स एरिया पर सतर्कता बढ़ाई जा रही है, हाई अलर्ट पे पूरे जम्मू को रखा गया है, और साथ ही ये लगातार सर्च ऑपरेशंस भी यहां पर चलाए जा रहे हैं कि किस तरीके से जितने भी आतंकियों ने अभी तक घुसपैठ की है उन्हें ढूंढा जाए, और साथ ही जितने कोशिश कर रहे हैं उन्हें किस तरीके से रोक